भारत फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार है। 650 करोड़ में बना चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को ठीक 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगी। आखिर ये चंद्रयान मिशन क्या है, क्यों चंद्रयान 1 और 2 फेल हुए, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा, आइए जानते हैं चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य है, इस मिशन से इसरो को क्या फायदा होगा। हमारे अर्थ की ग्रेविटी में एक ऐसा सैटेलाइट मौजूद है जिसे हम रोज रात में देखते हैं, मून, जिसकी दूरी अर्थ से करीब 384,400 किलोमीटर है। इस मून के बारे में जानने के लिए काफी देश कई सालों से कोशिश में लगे हैं। इसके लिए कई स्पेस मिशन भी किए गए जिसमें से सिर्फ 3 देश सफल हो पाए हैं। अमेरिका पहला इकलौता देश है जो चांद पर कदम रखने में सफल हुआ है। बाकी 2 देश रशिया और चाइना, उन्होंने मून पर अपने स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कराई और उन्होंने मून की काफी जानकारी हासिल करी। भारत ने ये फैसला किया है कि वो भी चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करेगा और इस मिशन को भारत में चंद्रयान मिशन का नाम दिया गया। चांद पर रिसर्च के लिए भारत ने 2009 और 2019 में चंद्रयान को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 को जब चांद पर लैंड कराना था उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 किलोमीटर प्रति घंटा करनी थी, लेकिन जब चांद से चंद्रयान की दूरी 400 मीटर रह गई थी तब चंद्रयान से इसरो का कांटेक्ट किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से टूट गया और इसरो ने ये कंफर्म किया कि इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से चंद्रयान 2 की मून पर क्रैश लैंडिंग हो गई। 2019 में मून पर क्रैश लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान पर रोवर के साथ साथ शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ को फिट किया है। ये शेप डिवाइस मून पर लैंड होने से पहले ही सारी मेजरमेंट कर लेगा जिस कारण चंद्रयान 3 मून पर बिना किसी दिक्कत के सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा और मिशन के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। रात के समय मून का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस होता है। इस फ्रीज से बचने के लिए चंद्रयान को मून के साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को मून की सतह पर उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर मून के एनवायरनमेंट जैसे कि मून की हिस्ट्री, जियोलॉजी और उसके रिसोर्सेस का डाटा कलेक्ट करके भारत तक पहुंचाएगा। ये मिशन तकरीबन 14 दिनों तक चलेगा। इन 14 दिनों के अंदर अपने साथ लेकर जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाटा कलेक्ट करेगा। रोवर प्रज्ञान लेजर बीम की मदद से लूनर सरफेस के कुछ पीसीस को पिघलाकर उनमें से निकलने वाली गैसों को एनालाइज करेगा। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर की मदद से मून के सरफेस पर छोटा सा होल करके उसमें से निकलने वाली मिनरल चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी और समय के बीतने के साथ उन पार्टिकल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा उसको मेजर करेंगे। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये डिवाइस लूनर सरफेस के केमिकल कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लूनर सरफेस के एलिमेंटल कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। इस मिशन से इंडिया को मून के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त होगी और फ्यूचर में इंसान रह पाएगा या नहीं इसके बारे में भी पता कर लेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी।
ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।